खबर जनपद नैनीताल के हल्द्वानी से है, जहां भीमताल के पतलूट क्षेत्र से हल्द्वानी पहुंचे सड़क दुर्घटना के पीड़ितों ने नाराबाजी करते हुए राज्य दिए जाने की गुहार लगाई। बता दें कि पूर्व राज्य मंत्री हरीश पनीरू के नेतृत्व में भीमताल विधानसभा से सड़क दुर्घटना के पीड़ित हल्द्वानी पहुंचे। यहां उन्होंने बताया कि 5 जून को पतलूट क्षेत्र में सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें मैक्स खाई में गिरी 7 लोगों की मौत हुई थी और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं प्रशासन ने मृतकों को 4 लाख रुपए और घायलों को मुआवजा देने की बात कही है, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी मृतकों को आधा मुआवजा मिला है। वहीं जिस पर परिवार के माता पिता खत्म हो गए, उन बच्चों के देख रेख करने वाला भी कोई नहीं है। ऐसे में स्थानीय विधायक और सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए दुर्घटना पीड़ितों ने तत्काल मुआवजे की मांग की है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कोई मुआवजा नहीं मिला, पतलूट दुर्घटना में हुआ था अनरबन गधेरा, हमें कोई मुआवजा नहीं मिला उसमें, और घोषणा जरूर हुई थी, विधायक जी ने भी की थी, बाकी और लोगों ने भी की थी, हमें कुछ नहीं मिला उसमें मुआवजा, कुछ नहीं, कुछ कह ही नहीं रहे, क्या कहे हम उनसे, क्या कह पाएंगे गरीब आदमी, क्या कह पाएगा। सब हम तो ये कहते हैं हमें मुआवजा मिलना चाहिए, जब सबको मिलता है तो। हमारी मांग ये है कि अनरबन पतलूट में 5/6/2024 को एक मैक्स दुर्घटना हुई, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई और 7 लोग घायल हुए। उस टाइम पर घटना स्थल पर यह बात तय हुई थी कि मृतक परिजनों को 4 लाख मिलेंगे, 2 लाख तो आपके आशीर्वाद से मिले, 2 लाख उनके शेष है, और घायलों को कोई राशि नहीं मिली, जबकि उत्तर प्रदेश के टाइम से घायल जो भी दुर्घटनाएं होती है उनमें घायलों को पैसा मिलता है, 2 लाख रुपए जितना मृतक परिजनों को मिलता है उसका जस्ट हाफ मिलता है, ये नियम है। तो उत्तराखंड में ये हमारे विशेष तौर से भीमताल विधानसभा में, विशेष तौर से ओखलकांडा में जितनी भी दुर्घटना हुई घायलों को कोई पैसा नहीं मिला। ये इन्होंने एक एक दो दो महीने हो गए इलाज कराते हुए, सारे घायल पर घायल लोग बैठे हैं जो उस दुर्घटना के घायल हैं, तो इनको इनके इनको ना तो प्रशासन ने कोई इलाज के लिए पैसा दिया, ना इनको पूछने गए। एक महिला वो उसमें टीबी वाले वार्ड में, उसको 2-3 महीने से इलाज करा रही है, उसको मैं सामान्य वार्ड में शिफ्ट करा के आया। तो ये सरकार और विधायक की अकर्मण्यता है और विधायक की नाकामी है, जो कहते हैं मैंने विकास कर दिया, जो हरियाणा का विकास कर रहे हैं, लेकिन उनका आदमी हॉस्पिटलों में वो बच्चे का हड्डी टूट गई, वो इलाज के लिए तरस सा है। विधायकों की तनख्वाह बढ़ सकती है, इस प्रदेश में सरकार बढ़ा सकती है, तो ये गरीब मृतक परिजनों को, जिन बच्चों का कोई नहीं, उनको पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका जवाब विधायक जी को भी देना पड़ेगा, सरकार को भी देना पड़ेगा।